और गलत में कौन कौन सी आती है? जैसे गलत के अंदर घोड़ी आप मत्थे से स्टार्ट कर लो फिर दोबारा, तो मत्थे से जैसे घोड़ी का घोड़े का जैसे ऐसे ये बन गया, ये भौंरी का थोड़ा सा सूत भर से भी इतना ही होता है सूत भर, तो थोड़ा सा क्रॉस हो गया ना तो वो मतलब गलत माना जाएगा। ओके, उसको दुगाड़ा के अंदर बोला जाएगा। फिर वो जितना जितना फांट डालता रहेगा दुगाड़ा, वो उतना उतना जिसको दुगाड़ा बोलते हैं। दो दुगाड़ा और काम बिगाड़ा, दो दुगाड़ा काम बिगाड़ा, ठीक है। तो काम के अंदर यूं मान लो कि नॉर्मली ही कोई छोटी मोटी बातें उसके अंदर चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ों के अंदर फिर यहाँ पे आ जाएगी मेड़ा सिंगन। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? मेड़ा सिंगन का मतलब होता है जैसे वो भी बहुत बेकार मानी जाती है। अच्छा अच्छा, जो मेंढे के सिंग होते हैं। अरे कह रहे ना परे हो जा, मेड़ा आ रहा टक्कर मार देगा। अच्छा अच्छा, तो वो एक ये चीजें हैं, टक्कर मार देगा, तो मेड़ा सिंगन वो भी गलत होती है। अच्छा, मेड़ा सिंगन भौंरी वो गलत हो गई। और चोटी के नीचे चीमंट, चीमंट चीमंट जैसे इस घोड़े के जैसे ये भौंरी है। अच्छा अच्छा, ये अगर बहुत ज्यादा खुल गई जैसे ये तो इस आम भौंरी है, हर घोड़े के आएगी चीमंट। अच्छा, चोटी के नीचे चीमंट और इसका रुख खुल गया वो भी गलत है। जैसे एक ज्यादा खतरनाक भौंरी है ना, मेड़ा सिंगन हो गई, गरड़ मन हो गई, हिरदावल हो गई, सापन हो गई, दुमन हो गई, घोटू कट हो गई, घूंगर कट हो गई, अच्छा, डंक उजाड़ हो गई, तो ये सारी अशुभ भौंरियों में आती है। हाँ, ये बहुत भयंकर भौंरी है, जैसे मालिक के लिए बहुत नुकसान वाली भौंरियाँ हैं। अच्छा अच्छा, समझिए, तो ये भौंरियाँ। और जवार तोड़, ये जैसे कम रूप के अंदर होता है जवार तोड़ की भौंरी, यहाँ पे हो गई जवार तोड़ है। यहाँ ये होटन। अच्छा, होठ पे भी भौंरी रहती है क्या? होठ पे, नाक के ऊपर भी, नक्सुरी। तो टोटल कितनी भौंरियाँ होती है वैसे? सालोत्तर के हिसाब से 36 भौंरी शुभ मानी जाती है और 36 ही अशुभ मानी जाती है, अशुभ मानी जाती है। और 360 भौंरियाँ भी है घोड़े के, क्योंकि पूरा घोड़ा भौंरियों के अंदर लुका हुआ है। अच्छा अच्छा, बाघ भौंरी आती है, अशुभ में आती है, शुभ में आती है? वो ना अशुभ में है ना शुभ में है। अच्छा, वो सवारों पे, जैसे 36 भौंरी सवारों के लिए होती है, 36 भौंरी ही मालिक के लिए होती है, 36 ही बेकार के लिए होती है, 36 ही मतलब व्यापार के लिए होती है। अच्छा, 36 ही खरीदने मेलने के लिए होती है। तो इस प्रकार से सारी घोड़ी यानी घोड़े में ही रहती है। हाँ, तो कौन सी खरीदने के लिए? घोड़ा अगर बेचने के लिए जाएंगे ना, और व्यापारी आएगा, तो घोड़ा खुद कहेगा मुंह से। अच्छा, समझने वाला समझ जाता है तो भाई अब ये घोड़ा बंदा गाहक आ गया, अब ये घोड़ा बिकेगा, हम बता देंगे आपको। अच्छा, घोड़ा जो हमने लाद लिया बेचने वाला घोड़ा, तो घोड़ा खुद कह देगा कि अब तेरे यहाँ दरबार में मुड़ के नहीं आऊँगा यार, चला है। तो घोड़ा खुद अपना हिसाब बता देता है, हम बता देंगे कि ये घोड़ा वापस नहीं आएगा या घोड़ी नहीं आएगी, जाएगा ये आएगा ये। तो जानवर है ना, ये खुद जानवर अपना मतलब बता देता है हर चीज़ का। तो हर चीज़ का मतलब तजर्बा। और जैसे भौंरी सापन हो गई, सापन जैसे ऐसे घूम गई, सापन घूम गई यहाँ पे घोड़ी, यहाँ से घूम गया घोड़ी का है ना भौंरी, तो वो सापन उसने ऐसे बल खा गया। ओके, बल खाने के बाद के अंदर जैसे उसका सापन का रूप हो गया। और मतलब आपको बाघ भौंरी बताई थी, तो वो बाघ भौंरी जैसे ये सांबर भौंरी है, दो घोड़े के यहाँ पे होती है भौंरी। अच्छा, ये कानों के पीछे, हाँ, जो उसको सांबर बोलते हैं, वो सांबर का मतलब होता है कि भाई सिर्फ घोड़े सवार, सांबर सवार, तो सवार की निगाह बाघ और भौंरी और कानों पे रहती है। अच्छा, कानों के हिसाब से। हाँ, सवार बोलता है, सवार कहता है हम पीठ पे बैठते हैं, जो सवार हमको वो ये बात कहते हैं, हम इसमें बताएंगे नहीं आपको, जो सवार कहता है कि हम पीठ पे घोड़े के कहाँ बैठते हैं, तो सवार को हमारे सामने लाना, उसके थप्पड़ मारूंगा साड़े के। क्यों? सवार घोड़े की पीठ पे बैठता ही नहीं है। क्यों? पीठ पे तो बैठता है। नहीं सर, क्यों? पीठ पे तो बैठता है, काटी पीठ पे ना, पीठ पे लगती है। हम बैठे घोड़े के ऊपर हैं, पर हमारी निगाह
पीठ पे नहीं है ना, हम तो बैठे हैं। अच्छा, सवार की निगाह कहाँ है, सवार का लेन देन कहाँ है? या तो लगाम पे रहता है। ये बात क्यों कि सवार बैठेगा तो कह देंगे भाई पीठ पे बैठा हूँ, ये तो सवार नॉर्मल है कि भाई हमें हर एक को ही पता है कि भाई घोड़े पे बैठेगा तो पीठ पे बैठेगा, और कहाँ बैठे, पर बैठा कहाँ पे, उसकी निगाह कहाँ है? लगाम सवार बैठता है कानों पे, उसकी निगाह कानों पे रहती है। और घोड़ा मतलब जो बदमाश घोड़ा होगा ना, तो आपने भी देखा होगा ये तजर्बा कि घोड़ा पीछे को कान करेगा, अरे पीछे हट जाना लात मारेगा, घोड़ा आप बता देता साइड में हट जाना आप ठोक। अच्छा, यानी कानों के हिसाब से डायरेक्शन देता है, यानी कि ये बात कानों के हिसाब से। अब घोड़ा अपनी मस्ती में खड़ा है, अच्छा अभी इसके दिल में कुछ भी नहीं है, ये आराम से खड़ा है, नॉर्मली खड़ा है। अच्छा, कानों से आप यानी कानों से आइडिया लगा रहे हो आप, ये गड़बड़ कर रहा है, पिछला कान उधर गया ना इसका, ये अपना डायरेक्शन आप बताएगा। अच्छा, यानी कि क्या हरकत करने वाला है वो, क्या हरकत करने वाला है? अच्छा अच्छा, तो मतलब घोड़ा अपना डायरेक्शन आप बताएगा। ओके, ठीक है ना। और फिर ये आ गई भौंरी, छत्रभंग। अच्छा, यहाँ पे ये जो पीठ के हल्का सा ऊपर है, नहीं है मधु पे, यहाँ पे बाल स्टार्ट होते हैं। अच्छा, वो भी अशुभ मानी जाती है, बेकार। ओके, ठीक है। और आसन भंग, अच्छा आसन पे होती है। अच्छा, वो भी अशुभ मानी जाती है, जैसे सवारों के लिए बेकार होती है। जो सवार है, जो सवार बैठेगा वो गिरेगा। ओके, क्या नहीं, पर इसमें जैसे कि लोग ये बोलते हैं ना कि अगर मान के चलो सवार को अगर बैठना ही नहीं आता तो वैसे भी गिरेगा वो, तो वो तो एक नॉर्मली बात होगी ना, वो तो एक नॉर्मली बात होगी, जो सवार बैठेगा वो तो गिरेगा, जो घोड़े पे बैठेगा नहीं वो गिरेगा कहाँ से, वो तो एक नॉर्मली बात है। पर एक भौंरियों के बजे जैसे भौंरियों के माना हुआ सवार वो भी गिरेगा। अच्छा अच्छा, आसन भंग, आसन का मतलब भंग करेगी वो, एक बार सवार को भी गिराएगी वो, गिराएगी। आसन भंग मतलब आसन के ऊपर लग नहीं सकता, ये आसन को भंग करती है। ओके, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर जैसे आ गई यहाँ पे रकाब तोड़, क्या यहाँ पे रकाब तोड़? अच्छा, ठीक है। पट तोड़, पट तोड़ का मतलब क्या होता है? पट तोड़ भी भौंरी होती है। अच्छा, तो मतलब अशुभ में मानी जाती है वो भी, पट तोड़ होगी ये नॉर्मली, ये ज्यादा नुकसान वाली नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कि कम नुकसान वाली है। इसका कोई 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 इतनी इतनी नुकसान नहीं होता है, इतना लेन देन नहीं होता इसका। हाँ, तो इसका मतलब हर चीज का है, और जैसे हर बनजोड़ के अंदर हर चीज का, जैसे और यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई भौंरी मतलब नीचे गोम, गोम कहना गंगा जल भंजन वास तिरंगा, तंग तोड़ आस कूक बसम, कूक बसम, कूक बसम हो गई, कुखरावल हो गई, दुमन हो गई, है दुमन हो गई, घोटू कट हो गई, घूंघर कट हो गई, डंक खुजाड़ हो गई, तो मतलब काफी पीछे और हर ये अशुभ में मानी जाती है भौंरियाँ। तो वैसे सारी इतनी अशुभ भवरियाँ होती थोड़ी होगी घोड़े के अंदर, क्या होती है? हर घोड़े में सारी एक साथ में नहीं होती, किसी एक आधी सम जैसे होती है। अच्छा अच्छा, एक आधी किसी के अंदर कम है, किसी में ज्यादा है, और किसी एकदम ही, किसी में तो कोई फालतू भवरी नहीं होती, वो एकदम ही साफ होता है। अच्छा, किसी में भवरी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब मत्थे की होगी और ये मतलब देमन होगी या और होगी, और बाकी पूरा साफ क्लियर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं हो उस घोड़े से? ना, 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 वो जितनी कम भवरी होती है उतना ही बढ़िया घोड़ा होता है। अच्छा, बढ़िया माना जाता है, वो तो साफ होता है, एकदम क्लियर साफ। तो ये घोड़ा किस लाइन का, क्या है ये? ये घोड़ा राजस्थान से इसकी माँ भरवा के लेके आए थे। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब जिसके पास में से हम लेके आए थे, तो वो नमे बंदे हैं बेचारे, धूरी की तरफ। अच्छा अच्छा, वो उन्होंने राजस्थान से उधर से घोड़ा घोड़ी को भरवाई थी। अच्छा, जो इसका बाप था वो राजस्थान से आया हुआ था, वहाँ यहाँ अपने क्या नाम है, रब तुम्हारा भला करे, अपने ये धूरी के पास में, और पटियाला हरियाणा बॉर्डर के ऊपर गांव है। अच्छा, तो वो घोड़ा राजस्थान से आया हुआ था, उसका बच्चा है ये। अच्छा अच्छा, हाँ, काला ही है ना, काला कलर है ना? हाँ, कौन सा कलर है? पूरा काला है। ओके, और इसका बाप बढ़िया अच्छी हाइट का, उसका बाप का बढ़िया अच्छा कद काठ है, माँ भी बढ़िया है इसकी। ये भी होगा मेरे हिसाब से 63-64, तो हाँ 64 इंच है जी, अभी 64 मेरा नाप है खुद का। अच्छा अच्छा, मान लो मेरे से तो ऊपर जा रहा, फिर भी हम 64 ही बताते हैं हमारे को, और बाकी आपको दिख ही रहा, हम क्या झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं क्या इसकी? हाँ, इसकी ब्रीडिंग, इसके बच्चे बढ़िया, बहुत बेहतरीन बच्चे इसके आए हैं, और जितने भी बच्चे आए हैं इसके बहुत अच्छे बच्चे आए हैं। तो क्या फीस वगैरह लेते हैं आप इसकी? सर, इसकी फीस तो 11,000 रुपये कर रखी है। 11,000 रुपये,
इसको जैसे 11,000 की फीस है और जो नुकरा है उसकी भी 11,000 फीस है। अच्छा अच्छा। आपने चार घोड़े अपने पास में बड़े हैं, चार यानी सारे घोड़े ही यानी कि पांच घोड़े हैं। अच्छा। तो इनकी 11,000 रुपए फीस है, चारों की पांचों की कोई भी मतलब भरवा सकते, कोई भी भरवा सकते। यानी कि इसके बच्चे किस प्राइस में चले जाते हैं, यानी कि जैसे कि आपने बेचे हो? एक घोड़ा हमारे यहाँ संदीप नाम के लड़का है, उसके पास में इसका घोड़ा था, मैंने ही उसको ट्रेनिंग दी थी घोड़े को। अच्छा। और बहुत ही बेहतरीन था वो, मेरे ख्याल से 4.5 लाख का वो बिका था। अच्छा अच्छा। और अपने यहाँ पे बठिंडे की तरफ के बंदे लेके गए थे उसको। तो आपके तो जैसे कि पंजाब में 21,000 होती है, तो आपने 11,000 क्यों रख रखी है? हम सोचते हैं हर एक बंदा ही भरवा ले बेचारा। अच्छा। भाई कोई गरीब भी आए अमीर भी आए, और हमें तो ये भी नहीं, हमको अगर कोई 11,000 रुपए दे रहा है, अगर कह दिया कि भाई मेरा नाम लेके, आज की काफी साल पहले की बात बता रहा हूँ, बेचारा नवे शहर से बंदा आया था घोड़ी लेके। अच्छा, बाबा जी को बोला जाकर ने बताया था आपको और मैं, तो बाबा जी ने फ्री छोड़ दिया। जब फ्री में भी छोड़ देते हैं? हाँ, बाबा जी कह दिया कि जा यार गरीब बंदा है, चल यार कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये तो ऐसे भी दयालु हैं। ओके। हाँ हाँ, ये कहते हैं कि भाई मुझे तो चल कोई बात नहीं, किसी का भला हो रहा क्या है, 11,000 रुपए से कौन से करोड़पति बन जाएंगे। वो तो है ही। तो इनका तो खाली एक शौक है, पैसों की नहीं है, एक बस खाली शौक है, शौक से रखते हैं, शौक से रखे हुए हैं। और काफी सालों से तो मतलब घोड़े ये मंडी में भी नहीं लेके गए, दो बार ही मंडी में अभी गए हैं दोबारा। अच्छा, मंडी में लेके नहीं जाते? मंडी में नहीं, अभी पहले तो जाते थे। अच्छा। पर अभी ये दो मंडी में लेके गए दोबारा से, जब पहले ये आपने बाबा जी आपने भक्ति में लग गए थे, तो भक्ति की वजह से फिर इन्होंने छोड़ दिया। भाई हैं वो, प्रॉपर्टियों का काम करते हैं। तो मैंने ये भी सुना है जैसे कि पंजाब के अगर पुराने व्यापारियों में बात की जाए तो इनका नाम आता है शायद। बिल्कुल आता है, बिल्कुल, ये सच्चाई है कि जैसे 5-7 बंदे हैं अच्छे पुराने बंदे हैं, उनके अंदर इनका नाम आता है जो 27। कौन कौन से बंदे पुराने बताएंगे एक बार? सरजीत बैबल वाले हैं, हरजीत रुपये वाला है, और जसपाल और नार है जिसके पास में ब्लड लाइन नुकरों की है। अच्छा अच्छा। जिनके पास में से ये नुकरा चालू हुआ था। अच्छा, वो अच्छा। है। और 2-3 बंदे और हैं जिनका मेरे को नाम याद नहीं है, जानता हूँ, पर ऐसे हैं। तो उनके अंदर ही इनका गिना चुना नाम मतलब आता है। 28 साल बहुत हो जाते हैं 28 साल। तो ये जब से मतलब इस लाइन में पड़े हैं, इन्होंने छोड़ा नहीं। एक तो ऐसे हो जाता कि बीच में छोड़ दिया बंदा, रेगुलर रखा, रेगुलर इनके पास में हकीकत में रेगुलर है, तो वही पुराना माना जाता जो रेगुलर ही करता है प्रॉपर्टी इस चीज़ों के अंदर। ये चीज़ है। तो बाकी आपको उस नुकरा ला के दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको करता हूँ। हाँ।